Good morning, class. This is our new pharmacology class in which today we will study about the analgesics. First of all, we have to know about the analgesics. Analgesics are drugs that relieve pain without significantly altering consciousness. मतलब जो पेन किलर्स हैं, जो हमें दर्द में आराम देती हैं, वो दवाइयाँ एनाल्जेसिक्स हैं, पर ये हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज नहीं करती हैं. मतलब ऐसा नहीं कि हमें बेहोश करके हमारे को दर्द से राहत दे रही, नहीं, हम पूरे होशो हवास में होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे दर्द में राहत देती हैं, उन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं. और ये पेन में रिलीव देती हैं बिना उसके कॉज के ऊपर कोई असर डाले. दे रिलीव पेन विदाउट अफेक्टिंग इट्स कॉज. तो ये देखिए, इसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि एनाल्जेसिक्स वो ड्रग हैं जो सेलेक्टिवली पेन से रिलीव देती हैं, क्योंकि हमारे सीएनएस के ऊपर एक्ट करती हैं या फिर पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म पर एक्ट करती हैं बिना कॉन्शियसनेस को ऑल्टर किए. यही लाइन मैंने बोल के बताई आपको कि कॉन्शियसनेस को ऑल्टर किए बिना हमारे को पेन से रिलीव देती हैं, वो एनाल्जेसिक्स होती हैं. जबकि एनेस्थीसिया के अंदर लॉस ऑफ सेंसेशन, इसमें आप सेंसेशन ही खो देते हैं, आपको होशो हवास नहीं रहते. एनेस्थेटिक एजेंट वो होते हैं जो कि ब्रिंग अबाउट लॉस ऑफ ऑल मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, पर्टिकुलरली पेन, अलॉन्ग विद अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ये हमारे अंदर सेंसेशन को ख़त्म कर देते हैं, पर्टिकुलर जो पेन के सेंसेशन है जिससे हमारे को दर्द का पता नहीं चलता है, और कॉन्शियसनेस भी खो जाती है, पर वो रिवर्सिबल होती है. मतलब ऐसा नहीं कि आप बेहोश हुए ज़िंदगी में कभी होश में नहीं आओगे, नहीं, आप होश में आ जाएंगे थोड़े समय बाद जब उसका असर ख़त्म होगा. तो ऐसे ड्रग्स को अपन एनेस्थीसिया कहते हैं, एनेस्थेटिक्स कहते हैं. एक्चुअली एनेस्थीसिया तो लॉस ऑफ सेंसेशन होता है. थर्ड है पेन, जिसको अपन एल्जीसिया कहते हैं. एल्जीसिया है तभी तो एनाल्जीसिया जो उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है. एल्जीसिया एक ऐसी अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस है. अनप्लीजेंट ऑब्वियस है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, सेंसेशन उसमें हो रहा है, इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, जो एक्यूट या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से हो रहा होता है, या इस तरह के डैमेज को डिस्क्राइब करने में हम काम में ले रहे होते हैं कि कोई नुकसान हमारे बॉडी में हुआ जिसकी वजह से हमारे अंदर कुछ अनप्लीजेंट सेंसरी या इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ, उसे हम पेन या एल्जीसिया कहते हैं. अब क्लासिफिकेशन, एनाल्जेसिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर आल्सो नोन एज नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, और वी कैन से मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स, व्हाइल नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स आर आल्सो कॉल्ड NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. व्हाट इज NSAIDs? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और नॉन नारकोटिक्स और एस्पिरिन लाइक एनाल्जेसिक्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स. अब सबसे पहले ये ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते क्या हैं. एक्चुअली हमने अभी स्टार्टिंग में बोला ना मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक्स, तो मॉर्फिन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एल्केलॉइड है ओपियम का, हमें ओपियम से मिलता है. इसके अलावा कुछ और भी ओपियम एल्केलॉइड्स हैं, जैसे कि कोडीन, थैबीन, पेपेवेरिन एट्सेट्रा. ओपियोइड एनाल्जेसिक्स अप्लाई किए जाते हैं, अप्लाइज टू एनी सबस्टांस जैसे एंडोजिनस पेप्टाइड्स या ड्रग्स के साथ विच प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एनाल्जीसिया. ओपियोइड किसी के साथ में मिला करके हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो मॉर्फिन जैसे एनाल्जीसिया वाला प्रभाव हमारे को दे रहा होता है. अब ओपियोइड का अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो ये तीन तरह से क्लासीफाई हो रहा है, जैसा आपको इस स्लाइड में दिखाई दे रहा है. ओपियोइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ओपियोइड एल्केलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स एंड सिंथेटिक ओपियोइड्स. नेचुरल ओपियम एल्केलॉइड्स कंटेन द मॉर्फिन, कोडीन एंड नॉस्कैपिन. इसमें आपको सिर्फ मॉर्फिन और कोडीन ही दिया हुआ है, नॉस्कैपिन नहीं दिया हुआ है. क्यों नहीं दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी आगे. सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स के अंदर आते हैं सबसे पहले हेरोइन, देन फोलकोडी, हाइड्रोमॉर्फोन और ऑक्सीमॉर्फोन. तो इसके अंदर जो नाम लिखा हुआ है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ऑक्सीमॉर्फोन और फोलकोडीन दिया हुआ है. इसमें हेरोइन नहीं बताया हुआ, पर हेरोइन भी इसी की कैटेगरी के अंदर आता है. सिंथेटिक ओपियोइड्स के अंदर आते हैं पैथिडिन,
ट्रेमेडॉल, मेथाडोन, डेक्स्ट्रो, प्रोपोक्सीफीन, फेंटेनाइल, एल फेंटेनल, स्यूफेंटेनल, रेमिफेंटेनल। ठीक है, ये तो सिंथेटिक ओपियोइड्स आए, ये ओपियोइड्स का क्लासिफिकेशन है, ओपियोइड एगोनिस्ट का क्लासिफिकेशन है ये एक्चुअली, ओपियोइड एगोनिस्ट का। अब इसके अलावा ओपियोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर पेंटाजोकिन और ब्यूटोरफेनॉल नाम की ड्रग्स आती हैं, और पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर ब्यूप्रीनॉर्फिन आती हैं। अब इसके बाद नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, जिसको अपन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं, इसके अंदर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स आते हैं, जैसे सैलिसाइलेट्स, जिसमें आएगा एस्पिरिन, सैलिसाइलामाइड, बेनोराइलेट और डाइफलनिसाल। दूसरा है पाइराजोलोन के डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर फिनाइल ब्यूटाजोन और ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन आते हैं। थर्ड है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें आइब्यूप्रोफेन, बहुत कॉमनली अपन ये ड्रग काम में ले रहे होते हैं दर्द के रूप में, दर्द को ठीक करने वाले ड्रग्स के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं, नेप्रोक्सिन, कीटोप्रोफेन, फिनोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन और ऑक्साप्रोजेन। फोर्थ है इंडोल डेरिवेटिव्स, जिसमें इंडोमीथासन और सेलिंडिक मेडिसिन आती हैं। नेक्स्ट एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, जिसमें मिफानेमिक एसिड और फ्लूफिनामिक एसिड आ रही हैं। एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर डाइक्लोफिनिक और टॉलमैटिन आती हैं। ऑक्सीकम डेरिवेटिव में पायरोक्सिकम और टिनोक्सिकम आती हैं। पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव्स के अंदर कीटोरोलेक नाम की मेडिसिन जो है वो आती है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है प्रेफरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर्स, में निमेसोलाइड आ रही है, जो आजकल बैन हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए, निमेसोलाइड, मिलोक्सिकैम और नेब्यूमिटॉन ड्रग्स आ रही हैं। सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर के अंदर आती है वाल्डिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब और रोफिकॉक्सिब। एनाल्जेसिक, जिसका बहुत कम एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, उसके अंदर पैरा अमाइनोफिनॉल डेरिवेटिव्स, जिसको अपन पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं, आप सबने सुना है, देखा है, खाया है, लिया है, एसिटामिनोफेन भी कहा जा रहा होता है। नेक्स्ट पायराजोलोन डेरिवेटिव, जिसमें मेटामिजोल और प्रोपीफिनाजोन ड्रग आ रही है। थर्ड है बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव, जिसमें नेफोपैम नाम की ड्रग्स आती हैं। अब देखिए, ये जो सारी ड्रग्स हैं, मतलब स्पेशली जो एनाल्जेसिक्स हैं, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, जैसे CNS, CVS, GIT, स्मूथ मसल्स, ANS, सब पर अपना असर दिखाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस करती हैं और स्टिमुलेट भी करती हैं, स्टिमुलेशन का एक्शन भी दिखाती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, तो बीपी पर असर पड़ेगा, बीपी लो हो जाएगा, है ना। GIT में कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देती हैं ये ड्रग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी। स्मूथ मसल्स जैसे यूरेटर वगैरह, तो यूरेटर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ब्रोंकाई के अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये थोड़ा बहुत माइल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब इन एनाल्जेसिक्स के दुष्प्रभाव क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स? तो एनाल्जेसिक्स डोजेज आर यूजुअली वेल टॉलरेटेड, बट एंटी इन्फ्लामेटरी डोजेज आर यूजुअली एसोसिएटेड विद एडवर्स इफेक्ट्स। हालांकि एनाल्जेसिक्स को तो अपन अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, पर जो एंटी इन्फ्लामेटरी डोज होती है, उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी, अगर हम उनको लंबे समय तक ले रहे हैं, तो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे GIT के अंदर तो एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो जाता है, पेट खराब हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग हो जाएगी, इरोजिव गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन गैस्ट्रिक का, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, पेट के अंदर अल्सर हो जाते हैं, और स्टूल के अंदर ब्लड आएगा, वो भी छुपा हुआ, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है कि स्टूल में ब्लड रहता है। तो अगर आप लोगों ने पैथो की क्लास मेरी पढ़ ली है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टूल में अगर ऑकल्ट ब्लड आ रहा है, तो उसका टेस्ट होता है बेंजेडिन टेस्ट। कैसे किया जाता है, वापस उस टॉपिक को पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके अलावा ये एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देता है, जबकि वो इतनी कॉमन तो नहीं है, पर जैसे थोड़ा बहुत स्किन पे रैशेस वगैरह हो जाता है, आंखों में लाइट की वजह से सेंसिटिविटी, स्किन के ऊपर भी सेंसिटिविटी हो जाती है, तो ये देखने को मिलता है। इसके अलावा हीमोलाइसिस, आरबीसी टूटने स्टार्ट हो जाएगी, आपके रीनल के लिए नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी
हो जाती है, इसकी वजह से रेज सिंड्रोम हो जाता है, सेलिसाइलिज्म हो जाता है और एक्यूट सेलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, सेलिसाइलेट का टॉक्सिक इफेक्ट दिखाई देता है बॉडी के अंदर। अब इसके अलावा जो हमने नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में बोला, वो क्या क्या रोल आपकी बॉडी में प्ले कर रही हैं, तो देखिए ये एनाल्जीसिया के रूप में काम में आती हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिंस वगैरह हाइपर एल्जीसिया कॉज कर देती हैं। ये जो मैकेनिज्म है वो आप खुद से पढ़िएगा। पेन सेंसिटाइजेशन को अगर आप पीजीज को अप्लाई कर रहे होते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो पेन सेंसिटाइजेशन को ब्लॉक कर देती है, जो मैकेनिज्म है उसको ब्लॉक कर देगी ब्रैडीकाइनिन की वजह से। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, बाकी आप खुद से पढ़ लीजिए। एंटी पारसिस के अंदर ये बॉडी टेम्परेचर को कम कर देती है, बुखार अगर किसी को चढ़ा हुआ हो, पर बॉडी टेम्परेचर इतना भी नहीं कम कर रही है कि हाइपोथर्मिया ही कॉज हो जाए, या नॉर्मो थर्मिक इंडिविजुअल में अगर आप देखोगे तो हाइपोथर्मिया कॉज नहीं होगा, पर हाँ किसी को बुखार है तो उसका बॉडी टेम्परेचर ये कम कर देती है। क्योंकि ये पायरोजेंस, पायरोजेंस वो एजेंट्स होते हैं जो पायरेक्सिया यानी फीवर को कॉज करते हैं, उन पायरोजेंस के एक्शन को ये ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन है एंटी इन्फ्लामेटरी, वो तो इसके नाम में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिस जगह पर इंजरी हुई है उस जगह पर, तो इन्फ्लामेशन नहीं होने देती है ये। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी, NSAID जो है वो प्लेटलेट को एग्रीगेट भी नहीं होने दे रही होती है, तो NSAID इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रो एग्रीगेटरी एंड एंटी एग्रीगेटरी प्रोस्टेनॉइड्स बट इफेक्ट ऑन प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन पर ये अपना असर दिखा रही होती है, तो जिस वजह से प्लेटलेट का काम क्या होता है भाई, जहाँ कहीं पर भी इंजरी हुई हो तो वहाँ जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उस ब्लीडिंग को रोकने का सबसे पहला काम जो होती है आपकी प्लेटलेट करती हैं, फर्स्ट प्लग जो बनाती हैं वो प्लेटलेट्स का प्लग बनता है, सबसे पहले उसको रोकने का काम यही करेंगे। और ये प्लेटलेट को आने नहीं दे रही, इसका मतलब ये ब्लीडिंग टाइम को लंबा कर देती हैं, तो ब्लीडिंग थोड़ा लंबे समय तक होती रहेगी बॉडी में। अब इसके बाद डक्टस आर्टरियोसस क्लोजर, NSAID देने अगर लेट प्रेगनेंसी में दे रहे हो तो ये कुछ केसेस में डक्टस को क्लोज कर देते, प्री मैच्योर क्लोज कर देती, जो नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ी नुकसान पहुंचा रही होती है। या पार्चुरेशन पे अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस यूट्रस से जो हो रहा है वो अचानक ही उसमें चेंज आ जाए, तो ये लेबर को ट्रिगर कर देता है और उसका प्रोग्रेशन करता है, और लेबर को ये जो है डिले करवा देता है। इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि या तो डिले करवा देगा या रोक ही देगा सीधा, तो प्रेगनेंसी में देने से पहले सोचना चाहिए। इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज कॉज कर देता है, जिससे कि गैस्ट्रिक पेन होता है, म्यूकोसा की डैमेज की वजह से पेन कॉज होगा, तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन, जैसे एस्प्रिन वगैरह, एस्थेमा कॉज कर देगा, एनजियो न्यूरोटिक स्वेलिंग कॉज कर देगा, अर्टिकेरिया हो जाता है, नाक में राइनाइटिस देखने को मिलेगा, जो लोग ससेप्टेबल होते हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। एनाफाइलैक्सिस क्या है, Type 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसके बाद ख़त्म ये वाली सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम यूजेस देख रहे हैं कि अगर अपन एक्यूट या क्रॉनिक कंडीशंस में जहाँ पेन और इन्फ्लामेशन है वहाँ पर अगर हम ये दवाई दे रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें अपन दे सकते हैं, जहाँ पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा होता है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इन्फ्लामेटरी आर्थ्रोपैथीज के अंदर, ये सब बीमारियों के नाम है, ठीक है, जिसको अपन स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक्यूट गाउट के अंदर भी, गठिया रोग के अंदर भी देते हैं, डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया क्या है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है जिसमें पेनफुल मेंसेस होता है फीमेल्स के अंदर। इसके अलावा मेटास्टैटिक बोन पेन हो रहा हो, बहुत सीवियर हड्डियों में दर्द हो रहा हो, जो फैल रहा है सभी हड्डियों में, एक हड्डी से शुरू और बाकी जगह फैलना स्टार्ट हो गया, हेडेक और माइग्रेन में दे सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद अगर कोई पेन हो रहा है तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन में माइल्ड से मॉडरेट पेन हो रहा हो इन्फ्लामेशन या टिश्यू इंजरी की वजह से तो आप दे सकते हो, बुखार में, रीनल कॉलिक में दे सकते हो, या जो जस्ट बॉर्न इन्फेंट्स हैं उनको भी दिया जा सकता है अगर उनमें डक्टस आर्टरियोसस है और वो क्लोज नहीं है 24 घंटे में, वो बंद नहीं हो रहा है, तो आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिशन कैसे हो रहा होता है, कैसे कर रहा होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। आर्किडोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज के अलावा
के वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर इनका अलग अलग फॉर्म्स यहाँ बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें बन रही है, ये बस आपको पढ़ना ही है, बाकी नहीं पढ़ेंगे तो आप चाहे छोड़ सकते हैं, इतना कोई अपने लिए, क्योंकि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने, हमने कहा इतने सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने, इनका क्या क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, भाई देखो पेन में इनका रोल है, किन किन का रोल है पेन के अंदर, PGI2, PGE2, ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन वगैरह वगैरह, है ना। इन्फ्लामेशन में रोल है, वैसोडाइलेटर्स होते हैं ये, एडिमा एरिडिमा कॉज कर देते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को प्रोटेक्शन देते हैं, रीनल ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, बुखार में काम आते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को रोक रहे होते हैं, ये प्लेटलेट्स के साथ इनका रोल है जो अपन ने पढ़ लिया, यूट्रस में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, और कुछ और भी हैं जो डक्टस आर्टरियोसस करवा रहे होते हैं ओपन फॉलोइंग बर्थ, बर्थ के लिए, उसके बाद वो खुले रह रहे थे, उसमें रोल था। इन्फ्लामेशन PGIs का क्या रोल है, तो देखिए ये डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं, मॉड्यूलेट रेगुलेट इन्फ्लामेटरी सेल फंक्शन, सेल फंक्शन जो इन्फ्लामेटरी की सेल्स हैं उनके फंक्शन को ये मॉड्यूलेट भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये पेन को इंड्यूस करते हैं, एडिमा रेडनेस वैसोडाइलेशन कर देते हैं, अगर हम इनको किसी दूसरे मीडिएटर्स के साथ में देते हैं तो। लाइसोसोमल एंजाइम को PG इनहिबिट करते हैं, क्योंकि फैगोसाइटोसिस कर देंगे, कीमोटैक्सिक को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और कीमोकाइनेसिस करवा रहे होते हैं। कीमोटैक्सिक का तो केमिकल की तरफ मूवमेंट करना कीमोटैक्सिस होता है। इसके अलावा मैक्रोफाज का क्लोनल प्रोलिफरेशन ये होने नहीं देते, मतलब मैक्रोफाज की जो स्टेम सेल्स हैं वो माइग्रेट नहीं हो पाती हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं हो पाती हैं, तो उसको रोक देते हैं, और लिम्फोसाइट्स पर ये सेल ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोक देते हैं। बस ठीक है, बाकी इतने सारे फंक्शंस हैं, आप खुद देख लीजिएगा, बोन कोलाजन फॉर्मेशन को रोक रहे हैं तो बोन वीक्स हो जाती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट रिलीज हो रहा है उसका, बोन रिजॉर्प्शन हो जाता है इसी वजह से, तो कई सारे इसके रोल हैं। बस पेरियोडोंटल डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, क्योंकि ये हमारे को दांतों से ज़्यादा कोई खास कंसर्न नहीं है। अब इन दवाइयों के साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अल्सर में नहीं देना है, एस्थमा में नहीं देना, नेजल पॉलिप किसी को हुआ हो, ये नेजल में ट्यूमर लाइक सी कुछ स्ट्रक्चर होती है उन पेशेंट्स को आपको नहीं देना, डायबिटीज़ जिनको है, गाउट जिनको है, क्योंकि इनके तो साइड इफेक्ट में अपन ने एडवर्स इफेक्ट में गाउट पढ़ा था, तो गाउट में तो दे ही नहीं सकते अपन इसको, इन्फ्लुएंजा की वजह से राइज सिंड्रोम हुआ हो, हाइपोकोगुलेशन स्टेट में कोई पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कोगुलेशन उसमें हो रहा हो, क्रॉनिक एलर्जिक डिसऑर्डर किसी को हुआ हो, तो ये तो खुद हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करवा रहा है, एनाफाइलैक्सिस, और ऑलरेडी किसी पर्सन को एलर्जिक डिसऑर्डर और आपने ये दे दी तो गया पर्सन तो ऊपर। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी को है तो हम ये नहीं दे सकते, रीनल फेलियर में नहीं दे सकते, सैलिसाइलेट की एलर्जी में आप इसे नहीं दे सकते, जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उसे नहीं दे सकते, और प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्योंकि इसके नुकसान अपन ने पढ़े थे। NSAID एज हॉस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट जो है दैट एम्स टू रिड्यूस टिश्यू डिस्ट्रक्शन, अगर हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें हमारा एम ये है कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन करवाना है और स्टेबलाइज करना है या रीजनरेट करना है पेरियोडोटोनियम को बाय मॉडिफाइंग और डाउन रेगुलेटिंग डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्ट रिस्पॉन्स एंड अप रेगुलेटिंग प्रोटेक्टिव और रीजनरेटिव रिस्पॉन्स, अगर हम चाह रहे हैं उसके अंदर प्रोटेक्टिव, हम ये चीज़ दांतों के लिए बताई गई है कि प्रोटेक्टिव और रीजनरेटिव रिस्पॉन्स अगर हम चाह रहे हैं तो हम उसमें ये चीज़ दे सकते हैं। बस ठीक है, हमारे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये वाला, क्योंकि ये दांतों से कंसर्न रख रही है स्लाइड, ये स्लाइड भी दांतों से कंसर्न रख रही है, तो कोई खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए देते हैं, ये तो NSAID के नाम से ही पता चल रहा है कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को ठीक करने के लिए दे रहे हैं, वुंड हीलिंग की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, पैथोलॉजिकल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। बस ठीक है, अब इंडिविजुअल ड्रग हम देख लेते हैं भाई फटाफट से, तो इंडिविजुअल ड्रग के अंदर सबसे पहले ली गई है एस्पिरिन, क्या काम कर रही है, एनाल्जेसिक का काम भी करती है, बुखार को कम भी करती है, इन्फ्लामेटरी एक्शन को भी रोकती है, मेटाबॉलिक इफेक्ट में ये ब्लड शुगर को डिक्रीज कर देती है, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करती है, ये तो मेटाबॉलिक इफेक्ट है, रेस्पिरेशन में ये हाइपर वेंटिलेशन करवाती है,
सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के केस में। एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये ठीक करती है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस को कंपनसेट करने का काम करती है। अगर हमारे अंदर एल्केलोसिस हो रहा है रेस्पिरेशन की वजह से, तो ये उसको ठीक कर देगी, न्यूट्रल कर देगी। एल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है ना, एसिड बेस बैलेंस हो रहा है, एसिडोसिस, एल्केलोसिस जो रेस्पिरेटरी भी होता है और मेटाबॉलिक भी होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ये वैसोडाइलेशन कॉज करता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। जीआईटी में ये एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कॉज करता है, नोजिया वॉमिटिंग कॉज करता है। ब्लड में ये ब्लीडिंग टाइम को बहुत ज़्यादा लंबा कर देता है। एस्प्रिन के बुरे इफेक्ट क्या हैं भाई? ज़्यादा अगर आपने ले लिया तो नोजिया वॉमिटिंग कर देगी, पेट खराब कर देगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टूल में ब्लड भी आना ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा रैशेस हो जाते हैं, स्किन में इरप्शंस हो जाते हैं, अर्टिकेरिया हो जाता है, राइनोरिया हो जाता है, एंजायो एडिमा हो जाता है, एस्थमा हो जाता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं। सैलिसाइलिज्म अपन ने पढ़ा था उस पॉइजनिंग के बारे में, तो डिजनेस चक्कर से आने लग जाते हैं, दिमाग घूमने लगेगा, कानों में घंटियाँ बजेंगी, चक्कर आएंगे, वर्टिगो चक्कर आना, हियरिंग और विजन दोनों इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ना ढंग से सुनाई देगा ना ढंग से दिखाई देगा, एक्साइटमेंट में आ जाता है पर्सन और मेंटल कन्फ्यूज़न उसको रहने लग जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा उसको। एक्यूट सैलिसाइलेट की पॉइजनिंग आती है, हो जाती है, तो फेटल डोज है एडल्ट में 15 से 30 ग्राम, और इसे कम अगर बच्चों में दे रहे हैं तो ये पॉइजनिंग कॉज कर देगा। इसका यूज़ एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है, एंटीपायरेटिक के रूप में। एस्पिरिन का यूज़ बता रहे हैं अपन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक। एक्यूट रूमेटिक फीवर भी ये कॉज करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए कॉज होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉज हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोन का डिसऑर्डर है, ठीक है। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉज कर देता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस कॉज कर देता है, ये पेशेंट है, पेटेंट नहीं है, आई लगा लीजिएगा आप। फैमिलियल कोलोनिक पॉलीपोसिस कॉज करता है, कोलन कैंसर को रोकता है और बार्टर सिंड्रोम को ट्रीट करने के भी ये काम आती है एस्पिरिन। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है या पेप्टिक अल्सर में नहीं देना चाहिए, ब्लीडिंग टेंडेंसीज ये कॉज करवा देता है उसमें नहीं देना चाहिए, जिन लोगों में नक्सी छूटती है, मसूड़ों से खून आता है उनमें नहीं देना चाहिए। बच्चों को अगर चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा हुआ है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है किसी पर्सन को, डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को नहीं देनी चाहिए। कितनी डोज दे सकते हैं? 0.3 से 0.6 ग्राम, 4 to 6 आवर्स के गैप में आप ओरली दे सकते हैं। ये कमर्शियली अवेलेबल है, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, कॉल्सप्रिन और इकोस्प्रिन। आपको नाम याद रहे अच्छी बात है, नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन है इंडोमेथासन, ये एंडोल डेरिवेटिव्स है, पोटेंट इनहिबिटर है पीजी सिंथेसिस का, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होने देती है दवाई, और न्यूट्रोफिल की मोटिलिटी को भी ये रोक देती है, कम कर देती है, दबा देती है। ये ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, इसकी हाफ लाइफ 2 से 5 घंटे है। इसका बुरा असर क्या है? गैस्ट्रिक के अंदर इरिटेशन कॉज करती है, नोजिया कॉज कर देती है, भूख नहीं लगती, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होने लग जाती है, डायरिया कॉज हो जाता है, फ्रंटल हेडेक रहने लगेगा, डिजनेस हो जाएगी, एटैक्सिया, इनवॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट, मेंटल कंफ्यूजन रहने लगता है पर्सन को, पर्सन में डिप्रेशन हो जाता है, साइकोसिस भी हो जाता है, ल्यूकोपेनिया WBC का नंबर कम हो जाता है, रैशेस रहने लगते हैं और ब्लीडिंग का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, छोटी मोटी चोट में भी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। कॉन्ट्राइंडिकेशन मशीनरी ऑपरेटर्स में कभी नहीं लेना चाहिए, मशीनरी ऑपरेटर्स को कभी नहीं लेना चाहिए, ड्राइवर्स को, साइकियाट्रिक पेशेंट्स को, जिनको दौरे पड़ रहे होते हैं उन्हें, किडनी डिजीज़ किसी को है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों में ये नहीं देना चाहिए। डोज 25 से 50 mg आप इसकी दे सकते हैं, कमर्शियली अवेलेबल, नाम पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइब्यूप्रोफेन, काफ़ी कॉमनली अपन इसको यूज़ कर रहे होते हैं आइब्यूपैरा के रूप में। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है ये, एडवर्स इफेक्ट गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, सर दर्द होने लगता है, सर घूमने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कानों में घंटियां बजने लगती है और डिप्रेशन में आ जाता है पर्सन। प्रेगनेंसी में पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, पेप्टिक अल्सर पेशेंट को नहीं देना चाहिए और एस्थमेटिक पेशेंट को ये दवाई नहीं देनी चाहिए। इसका यूज़ एनाल्जेसिक के रूप में आप काम में ले सकते हैं, एंटी पायरेटिक के रूप में आप काम में ले सकते हैं, आर ए ओ ए और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर किसी को हुआ हो तो उसमें आप ये दवाई दे सकते हैं।
सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज के अंदर, फ्रैक्चर्स में, वैसेक्टॉमी मेल के अंदर, अगर किसी ने वैसेक्टॉमी करवाई है तो ये दवाई दी जा सकती है दर्द से राहत देने के लिए, और किसी ने दांत उखड़वाया हो, अपना दांत निकलवाया हो, तो ये मेडिसिन दी जाती है। पोस्टपार्टम और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस के अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए भी दी जाती है, 400 से 800 mg TDS इसकी दी जाती है। ये कमर्शियली अवेलेबल है, नाम पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट डाइक्लोफेनेक सोडियम, काफ़ी कॉमनली काम में ली जाती है, बड़ी नुकसानदायक दवाई है, ये निकलती नहीं है, स्टोर हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स टिश्यूज के अंदर स्टोर होती है डाइक्लोफेनेक। ये एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, हाफ लाइफ इसकी 2 घंटे की है, प्लाज्मा हाफ लाइफ। एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा ले ली जाती, गैस्ट्रिक पेन होगा, नोजिया, सर में दर्द, डिजीनेस और रैशेस होंगे। आरए में दे सकते हो, स्पॉन्डिलाइटिस में दे सकते हो, डिसमेनोरिया के अंदर दिया जा सकता है पेनफुल मैंसेस के दौरान, पोस्ट ट्रॉमेटिक और पोस्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में दी जा सकती है। डोज इसकी 50 mg भी है और 75 mg भी जब IM दे रहे होते हैं। कमर्शियली अवेलेबल, नाम खुद से पढ़ लीजिएगा। किटोरोलैक, देखिए पायरोलो पायरोल डेरिवेटिव, ये एक पोटेंट एनाल्जेसिक है, मॉडेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है ओरली और IM के थ्रू भी, प्लाज्मा हाफ लाइफ 5 से 7 घंटे है, बुरा प्रभाव नोजिया, एब्डोमिनल पेन, डिस्पैप्सिया, अल्सरेशन, लूज मोशंस हो जाते हैं, ड्रॉजीनेस हो जाता है, हेडेक रहने लगता है, डिजीनेस, नर्वसनेस हो जाती है उस व्यक्ति को, खुजली मचने लग जाती है शरीर के अंदर, प्रोराइटिस, पेन और फ्लूड रिटेंशन, फ्लूड निकलता नहीं, फ्लूड का रिटेंशन होने लगता है। एंटीकोगुलेंट जो लोग ले रहे हैं उन पेशेंट्स को ये दवाई नहीं देनी चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में और एक्यूट मस्क्यूलो स्केलेटल पेन किसी को हो रहा हो तो अपन इसकी IM और IV ड्रग 15 से 30 mg दे सकते हैं हर 4 से 6 घंटे के बाद। रीनल कॉलिक में अच्छा असर दिखाती है, माइग्रेन में या बोनी मेटास्टासिस की वजह से कोई दर्द हो रहा हो तो भी ये काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है। ओरल डोज 10 से 20 mg 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हो, ये इसकी कमर्शियल ड्रग्स हैं, पढ़ लीजिएगा। निमेसोलाइड जो मैंने आपको कहा बैन हो चुकी है, प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर है, शॉर्ट लास्टिंग पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में दी जाती है, जैसे स्पॉट्स की वजह से कोई इंजरी हो गई हो, साइनोसाइटिस किसी को हुआ हो, ईयर नोज थ्रॉट का डिसऑर्डर हो, डेंटल सर्जरी किसी ने करवाई हो, ब्रिसाइटिस, बर्सिटाइस भी इसको बोला जाता है, या फिर कमर में नीचे दर्द हो रहा हो बहुत ज़्यादा, डिसमेनोरिया में भी देते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन जिनको हो रहा हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस और बुखार के लिए भी दी जाती है। ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होती है और यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होती है, हाफ लाइफ इसकी 2 से 5 घंटे तक अपना असर दिखाएगी। एडवर्स इफेक्ट में एपी गैस्ट्रेलजिया कॉज हो जाता है, हार्ट बर्न होने लग जाता है अगर ज़्यादा ले लें तो आप, नोजिया होगा, लूज मोशंस होने लग जाएंगे, रैशेस हो जाएंगे और खुजली मचने लगेगी। हीमैथ्यूरिया, यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फल्मिनेटिंग हिपैटिक फीवर कुछ केसेस में देखने को मिलता है। एस्थमैटिक ब्रोंकोस्पाज्म या जिनको एस्पिरिन का इंटॉलरेंस, NSAID, दूसरे NSAID का इंटॉलरेंस है, उनमें अपन ये दवाई जो है वो दे सकते हैं। डोज 100 mg आप इसको दे सकते हो, ये इसकी कमर्शियल ड्रग्स है। कॉन्क्लूजन क्या है भाई, एनाल्जेसिक्स आर डेफिनेटली यूजफुल इन रिड्यूसिंग पेन, भाई ऑब्वियस है ना, पेन कम करने के लिए काम में आ रही है, ये लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ा देती है, पर इनके खुद के ओन स्पेक्ट्रम के एडवर्स इफेक्ट हैं, और कोई भी एक ऐसी ड्रग नहीं है जो हर पेशेंट के लिए अच्छी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपको कौन सी ड्रग किस पर्सन को देनी है ये सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप दवाई देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक ड्रग बता दी, ये कह दी मैंने कहा निमेसोलाइड अच्छी है, या मैंने कह दिया पैरास्टामोल अच्छी है, डाइक्लोफेनिक अच्छी है, या आइबुप्रोफेन अच्छी है, नहीं, कौन से पेशेंट को किस समय कौन सी कैसी दवाई देनी है वो सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको खुद को डिसाइड करनी पड़ेगी ये सब चीज़ें जो हैं। आप ऐसे ही हर किसी को हर कोई दवाई नहीं दे सकते, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो है ये और बता देती हूँ ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड एगोनिस्ट के अंदर हमने एक नाम लिया था मॉर्फिन, और दूसरे जो ओपियोइड्स होते हैं
वो कई ओपियोइड रिसेप्टर्स पर, वेरियस ओपियोइड रिसेप्टर्स के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपना एक्शन दिखा रहे होते हैं, जैसे स्पाइनल, सुप्रा स्पाइनल साइड पर जो मेड्यूला, मिड ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, कॉर्टिकल एरियाज और पेरिफेरल नर्व्स के ऊपर इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ये बाइंड होती है। मॉर्फिन एक प्रोटोटाइप की ड्रग है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो मॉर्फिन का है, मेनली सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट ये दिखाती है और सीएनएस की कुछ साइट्स को ये स्टिम्युलेट करती है। सीएनएस पर ये डिप्रेसेंट इफेक्ट दिखाती है। एनाल्जेसिक, डिप्रेसेंट के अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, यूफोरिया, यूफोरिया जैसे पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि वो एकदम ठीक हो गया, इसको यूफोरिया कहते हैं। तो यूफोरिया में, यूफोरिया के लिए काम आ रही है, सेडेशन का काम करती है, सेडेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है और कफ सप्रेशन का काम भी करती है, इसलिए कफ में भी ये दी जाती है, खांसी में भी दी जाती है। तो ये तो इसके डिप्रेसेंट इफेक्ट हैं, क्योंकि डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट दोनों इफेक्ट रखती है। स्टिमुलेंट में ये मायोसिस के अंदर दी जाती है, क्योंकि ये पीपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रही होती है। दूसरा, जैसे अगर किसी को एक्यूट मॉर्फिन की पॉइजनिंग वगैरह हो रही हो, दूसरा नोजिया वॉमिटिंग में भी दी जा सकती है, और वेगल सेंटर पर भी इसका असर होता है, क्योंकि स्टिमुलेट कर देती है वेगल सेंटर को जो मेड्यूला के अंदर होता है, और इसी वजह से ब्रेडिकार्डिया होता है। अदर इफेक्ट के अंदर ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज कर देती है, हिस्टामिन रिलीज करती है और इचिंग रहने लगती है इसकी वजह से। ये तो सारे हैं इसके CNS के ऊपर इफेक्ट। इसके अलावा ये CVS के ऊपर भी इफेक्ट करती है, जैसे वैसोडाइलेशन कर देती है, BP को कम कर देती है, GIT पर कॉन्स्टिपेशन कॉज करवाती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिनरी रिटेंशन कॉज करवा देती है, बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर इंट्रा बिलियरी प्रेशर को बढ़ा देती है, ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकोस्पाज़म कॉज करवाती है, क्योंकि हिस्टामिन को रिलीज करती है मास्ट सेल से। ठीक है, ओरली आप इस ड्रग को दे सकते हैं, तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही होती है और इसका बहुत एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी ओरल की जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको कॉमनली IV, IM या SC रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल एपिड्यूल या इंट्राथीकल रूट से भी आप इसको दवाई को दे सकते हैं। ये दवाई प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, प्लेसेंटल बैरियर को, लीवर में मेटाबोलाइज होती है ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के द्वारा और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। मॉर्फिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन होता है मॉर्फिन की वजह से, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, ड्रॉसीनेस, कन्फ्यूजन, मेंटल क्लाउडिंग कॉज कर देती है, इचिंग और स्किन रैशेस कॉज करती है, मिक्चुरेशन में डिफ़िकल्टी यानी यूरिन पास में डिफ़िकल्टी हो रही होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है छोटे बच्चों के अंदर, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है लोगों में जो लोग मॉर्फिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ड्रग डिपेंडेंस हो जाता है, मतलब उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली वो डिपेंडेंट हो जाते हैं ड्रग के ऊपर। ये ओपियोइड थेरेपी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो बस अब इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।